सब्सक्राइब कीजिए क्रेजी रेल फैन आनंद चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रेलवे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे और एक बार फिर से लेके आया हूं आपके लिए कमाल के रेल न्यूज संडे धमाका में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली खबर यह है कि भारतीय रेल ने किसान रेल नाम से एक पार्सल ट्रेन की शुरुआत की है। यह ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक जाएगी। इस रेल की शुरुआत 7 अगस्त से हुई है और इसे कृषि मंत्री और रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मार्ग में यह ट्रेन नासिक रोड, मनमाड़, जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, मणिकपुर, प्रयागराज, चेउकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और बक्सर रेलवे स्टेशन होते हुए दानापुर पहुंचेगी। यह वीकली रेल प्रत्येक शुक्रवार को महाराष्ट्र के देवलाली से सुबह 11 बजे खुलेगी और अगले दिन शाम 7:45 बजे दानापुर बिहार पहुंचेगी। यह रेल कुल 1519 किलोमीटर की दूरी 32 घंटे में तय करेगी। दोस्तों, अगली खबर यह है कि भारतीय रेलवे का पहला पीपीपी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाने वाला रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन का काम लगभग 98% पूरा हो चुका है। यह स्टेशन कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जहां पर एयरपोर्ट की तरह फूड कैफेटेरिया और रिटेल आउटलेट्स, मॉल वगैरह भी होंगे। इसके अलावा पैसेंजर्स के लिए आधुनिक टॉयलेट्स और वेटिंग लाउंज होंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट की तर्ज पर भीड़ कम करने के लिए सेपरेट एग्जिट टर्मिनल होंगे। पूरी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन दिया जाएगा और यहाँ एनर्जी इफिशियंट LED लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों, अगली खबर अयोध्या मंदिर के निर्माण को देखते हुए यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु इस स्टेशन के थ्रू अयोध्या मंदिर के दर्शन करने पहुंचेंगे और इसी कारण से अयोध्या रेलवे स्टेशन को आधुनिक रूप में डेवलप किया जा रहा है। अभी हर दिन अयोध्या स्टेशन में लगभग 5,000 लोग आते हैं, जो कि आने वाले समय में 60,000 हो जाने की उम्मीद है। दोस्तों, आज की अगली खबर यह है कि रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर द्वारा 100 बेड का अस्पताल का निर्माण किया गया है और यह अस्पताल रेलवे एम्प्लॉयज जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं या अभी भी काम कर रहे हैं उनके लिए खोला गया है। दोस्तों, आज की आखिरी खबर, कोरोना रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद CLW ने जुलाई के महीने में कुल 31 लोगों का प्रोडक्शन किया है और इस साल कुल 62 लोगों का प्रोडक्शन करने में सफलता हासिल की है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, साथ ही साथ अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय।